नशा मुक्ति अभियान के तहत पार्टी पुलिस ने ग्रामीणों को किया जागरूक, दिलाई शपथ, अवैध शराब पर की कार्रवाई। मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। एसपी दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा जिले में के सभी थाना प्रभारियों को नशा मुक्ति अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक करने व शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी परिपालन में पार्टी थाना प्रभारी आर के लोवंशी द्वारा मंगलवार को जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसके तहत थाने पर विभिन्न कामों के लिए आए ग्रामीणों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताकर जागरूक किया। इसके बाद ग्राम वलन पहुंचकर वहां चल रहे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में आए ग्रामीण जनों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नारकोटिक ड्रग्स जैसे अफीम, चरस, गांजा के सेवन नहीं करने व उससे होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक किया। थाना प्रभारी लोवंशी ने उपस्थित जनों को बताया कि शराब पीने से व्यक्ति का लीवर डैमेज हो जाता है और उसके सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है और अधिक शराब पीने से मृत्यु भी हो जाती है, जिससे उसके परिवार को आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ता है। साथ ही थाना प्रभारी ने उपस्थित जनों को कभी भी नशा नहीं करने और नशा संबंधी आदतों का त्याग करने सहित समाज में नशा विरोधी अभियान में शामिल होने की शपथ दिलाई। इसके बाद अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए ग्राम रानीपुरा में गंधावल में दबिश देकर 22 लीटर शराब जब्त की, जिसकी कीमत 3700 रुपए होना पाई गई। आरोपी बाईसी बाई पति प्रकाश उम्र 35 साल निवासी रानीपुरा व लीना बाई पति रितेश उम्र 30 साल निवासी गंधावल के खिलाफ अपराध की धारा 34A में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। इस दौरान थाना प्रभारी आर के लोवंशी, बोकराटा पुलिस चौकी प्रभारी केशव यादव, एएसआई जीवन चांदोरे, प्रधान आरक्षक बलवीर मंडलोई, वेचल सिंह देवके, आरक्षक अंतर सिंह, अनिल पवन प्रजापत मौजूद थे।